गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास बिंदास। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है सबको कि होली बहुत ही नज़दीक है, और कल मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज मैं अपनी एक लव स्टोरी वाली वीडियो के में ही लगा हुआ था, और वो आप लोगों ने देखी ली होगी। तो तकरीबन मुझे पूरा 2 दिन हो गए थे इधर उधर से फोटोज कलेक्ट करके, और उसको कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है वो एक सोचने का तरीका, उसमें टोटल मुझे तकरीबन टाइम लग गया। उससे पहले मैंने सोच तो काफी टाइम पहले लिया था, लेकिन एडिट कर अब फाइनल किया था, और वो भी 2 दिन में। रात को भी मैंने एडिट करके सेव अपलोड वगैरह कर दिया था, फिर मुझे याद आया कि कुछ फोटोज रह गए, तो फिर दोबारा से फिर मैंने चेंजेस किए, तो पूरा टोटली सारा सेटअप चेंज करना पड़ा। तो फाइनली अब जाके वीडियो मेरी सेव हो रही है, और टाइम गाइज अभी 1:15 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं ना। और गाइज अभी है होली, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो होली पे हो रही है तैयारी घर जाने की। ये हो रही है हमारी पैकिंग, जिसमें कि हम घर भी जा रहे हैं। और पता है, लोग बहुत स्मार्ट है, पहले ही लोगों ने जज कर लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो यस यस गाइज, अभी आप लोगों ने बिल्कुल सही जज किया है, जो भी 2-4 लोगों के कमेंट आए हैं कि आप लोग वृंदावन जा रहे हो, तो यस हम वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन के अलावा भी बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है अभी। तो देखते हैं, मजा आएगा बहुत। आई होप कोई पोपट ना हो, कोई मजा खराब ना हो, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मूड खराब सबसे पहले होता है, सिचुएशन खराब होती है। तो और गाइज, यहाँ पर हो रही है पैकिंग सर्दियों के लिए, सारी चीजें मतलब ये सर्दियों का सारा पैकअप हो रहा है, और 2 दिन की पैकिंग होगी जो कि हम जाएंगे घर पर, और घर पर ही होली सेलिब्रेट होगी हमारी। और इसने लगाई हुई है बालों में मेहंदी, जो कि वीडियो बना चुके हैं पर अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन इनके पास टाइम नहीं है उसको एडिट करके डालने। हाँ गाइस, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा, मतलब मैं किसी के लिए कुछ 8 पीस बनाना है, एक उनको भेजना है, बट है ना, मैं मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैंने सारा सामान लेके रखा हुआ है सब कुछ बनाने के लिए, पर बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ उसके साथ में वीडियो भी शूट हो जाएगी मेरी आर्ट की, और मैं कुछ बना भी दूंगा उनके लिए, वो मुझे भेजना है काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ, पर वो फुर्सत ही नहीं हो रही है, जबकि मैंने ये आर्ट वाला टेबल सेटअप कर लिया था। तो अभी नाइट सूट हाँ ले लो। अच्छी, ये सर्दियों की, ये सर्दी पे सर पे मेहंदी लगाई ना, उसका अंजाम है। और गाइज ये मेरी वीडियो सेव हो रही है अब जाके, तो अब फुर्सत मिली है। तो गाइज ठीक है, अभी करते हैं पैकिंग, और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं अभी मुझे, 2 दिन की जो हमारी पैकिंग है, पहले घर जा रहे हैं होली पे, होली और धुलेंडी उस पर जा रहे हैं अभी हम घर। तो देखते हैं कि 2 दिन के बाद फिर दोबारा हमें आना होगा, और अभी जिम का ऐसे ही हो रहा है, 1 दिन जाओ 2 दिन छुट्टी, क्योंकि होली और धुलेंडी दोनों दिन छुट्टी है, फिर उसके बाद फिर है थर्सडे और फ्राइडे, फिर उसके बाद फिर सैटरडे संडे, फिर छुट्टी की सैटरडे है अमृता का बर्थडे, और सैटरडे ही हम लोग सुबह जा रहे हैं। तो देखते हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है। फिर बर्थडे के लिए जो हम जाएंगे उसके लिए हम आएंगे होली धुलेंडी के बाद, हम यहाँ पर आएंगे, फिर दोबारा से उसकी पैकिंग होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा कपड़े में एक्स्ट्रा थोड़ी टी शर्ट्स, लूज टी शर्ट्स वगैरह एक दो में ले लूँ, जो कि मेरे पास शर्ट ही है सारी, क्योंकि आउटडोर कहीं घूमने फिरने के लिए उस हिसाब से मेरे पास टी शर्ट्स नहीं है। तो देखते हैं कि क्या प्लान करते हैं, वहां पर कितनी ज्यादा गर्मी रहेगी, कितनी ज्यादा, क्योंकि यहाँ के जैसा सेम टेम्परेचर है वो नहीं पता, थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं है। तो देखते हैं गाइज, तो अभी फिलहाल मुझे नहाना है। तो गाइज अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और अभी ये लंच का टाइम है, जल्दी जल्दी बस लंच करके निकलता हूँ, फिर सीधा आपको शाम को मिलता हूँ। शाम को जाना है घर, और रितु के घर ससुराल भी जाना है, वहां पर थोड़ी स्वीट वगैरह देके फिर रितु को लेकर आना है, फिर उसके बाद फिर घर पे जो एंजॉयमेंट रहेगा तो वो तो आपको फैमिली व्लॉग तो वो देखने को मिलेगा। और आज लंच में है पत्ता गोभी आलू की सब्जी और चपाती, और ये हेमलता बना के बैठी हुई है अघोरी बाबा वाला जूड़ा। तो चलो गाइस शाम को मिलते हैं सीधा, सृष्टि भी आ जाएगी तब तक। तो गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे स्कूल की होली दिखाता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ वीडियोस नहीं बनाता, पर आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को स्कूल में होली सेलिब्रेट की जा रही है, पार्टी वार्टी हो चुकी है हमारी, और ये सारी टीचर्स, ये हैप्पी होली सर, अच्छा हुआ दाढ़ी काट दिया, हैप्पी होली, थैंक यू सर।
तो गाइस कुछ हालत ऐसी हो गई है, अभी कपड़े तो ज्यादा गंदे हुए नहीं है, अभी होने बाकी है। तो गाइज आज स्कूल में मस्त होली सेलिब्रेट हुई, बहुत मजा आया। काश की हेमलता भी होती यहाँ पे, जैसे कि पहले हम टीचर थे तो साथ में ही इंजॉय होता था, और उस टाइम हम ऐसे कपल इंजॉय नहीं करते थे, ऐसे टीचर करते थे। खैर कोई बात नहीं, पर मैंने हेमलता को बहुत मिस किया। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा स्टूडियो पे, और स्टूडियो पे जाके फिर सीधा चलना है घर पे। तो चलो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ, अभी भी मैं भागते भागते आया हूँ कुछ काम करते हुए, मार्केट से ही, मतलब रास्ते की मार्केट से, वो सदर मार्केट से नहीं। और पहले मस्ती हुई थी, फिर होली खेली स्कूल में, मस्ती हुई, फिर उसके बाद क्लासेस हुई, क्लासेस के बाद फिर निकला हूँ स्कूल से। तो चलो पहुँचते जल्दी स्टूडियो। क्या बनना है? टाय बननी है। मैं भी पीऊंगा जुगी जी। विवी जी बड़ा होली सोली खेल के आ रहे हो, देख लिया देख लिया। मेरे बिना, आपके बिना, आपके आपसे, आपके साथ भी खेलूंगा। आज होली थोड़ी ना थी, आज तो ऐसे ही बस स्कूल में खाला पूर्ति करी है बस। आपके आपके साथ भी खेलेंगे वाली, टेंशन की ले रहे हो, बहुत मस्त होली खेलेंगे आपके साथ। और अभी तो होली आई नहीं है, अभी तो ऐसे ही बस आज इंजॉय किया था। ठीक है गाइस, कितनी जल्दी मिर्ची लगती है बीवी को? मिर्ची लगती है? मुझे कोई मिर्ची नहीं लगती। मजाक कर रहे हैं, तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत टीज़ मिर्ची लगेगी तो आपको नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत छेड़ेंगे ही एक दूसरे को, तभी तो मजा आता है ना। तो गाइस सारी पैकिंग हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं, 8 बजने वाले हैं बस, और ये पैकिंग हमारी हो गई है ऑलरेडी। ये लो ये भी रख दो, और सृष्टि की भी पैकिंग हो गई है, इसमें बुक्स वगैरह रख लिया। और हमें ये कारपेट लेके जाने हैं, और एक वो गद्दा लेके जाना है जो कि इधर एक्स्ट्रा था, और वो वाला कारपेट भी गाइस लेके जाना है अंदर वाला। हम अंदर वाला भी लेंगे? हाँ। क्या ये तो बैठ के नीचे तो बहुत मुश्किल से करना पड़ेगा सृष्टि। तो गाइस चल दिए हैं घर के लिए, और ये देखो दोनों कारपेट वगैरह भी इसी गाड़ी में रख लिए, और ये घर जाके ही वॉश होंगे। एक्चुअली हमेशा से मैं घर पे जाके वॉश करता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली जगह नहीं है वॉश करने के लिए। और पीछे ही सिस्टी पैक हो गई है, दोनों कारपेट भी इसी में, गद्दा भी इसी में, ये अपना हमारा सूटकेस भी इसी में ही, सिस्टी भी इसी में, हेमलता भी इसी में, मैं भी इसी में रहेंगे, कहाँ जाएंगे सारी। ये हमारी जो ऑल्टो है ना गाइस, तो ये हमारी धन्नो, तो ये बहुत हमें मदद करती है टच वुड। तो चलो पहुंचते हैं अपनी धन्नो को लेके भगाते हुए अपने घर की तरफ, फिर जाना है रितु को लेने के लिए। तो चलो तो गाइस रितु को ले आए हैं ससुराल से, और रात के 11 बज रहे हैं, मैं वहां तो शूट कर नहीं पाया। तो चलो जी पहुंच गए घर भी, घर पहुंच चुके हैं। चलो तू उतर, और गाइस गोपाल भी गया था साथ में, गोपाल को मैंने ही उतार दिया था रास्ते में, कुछ काम था उसको। तो चलो वही चलते हैं अंदर, और अब जाके मैं डिनर विनर करके आया हूँ, मस्त पेट भर गया है, मस्त खाना खा के एकदम। चलो लो जी ले आए आपकी बेटी को, ठीक है बेटा, सब्जी के लिए बेटा साथ। और ये लो सामान पकड़ो भाई, गाय की रोटी।
मैंने भी छोड़ दी है। और इधर क्या हो रहा है सृष्टि? ओए ये क्या हो रहा है? खाना खाए जा रहा, मूवी देखी जा रही है। ओह मूवी, मेरे को पता है गेट के पीछे कोई है। पीछे छुपना है। ओके ओके नमस्ते। रेनू का है? रेन तो ऊपर ही है। ओहो ओहो मिल लो। ये पूछ रही थी, सखी मिला, ये पूछ रही थी यहीं रुक जाओ ना तुम लोग रात को। मैंने कहा क्यों रुके हम यहाँ पे? भाभी को बुला दो, तुम लोग यहीं रुक जाओ रात को। मैंने कहा क्यों रुके हम? गोपाल कह रहे यहीं तो रुक रहे हैं। ये लाए हैं ना ये साथ में पैकअप वगैरह करके, दो दिन मस्त यहीं रहेंगे होली पे। गोपाल आ रहे हैं, आ रहे आ रहे हैं। बुआ भी ले आई अपना बैग, बाकी के मेरे सारे कपड़े तो है यहाँ पर। हाँ बड़ा बैग पैक करने नहीं पड़ता, मैंने जुगाड़ किया हुआ इधर भी उधर भी। हाँ कुछ कपड़े भी। अरे फाइनली किट तू भी मिल ली। बस बस। तो गाइज रात के साढ़े बारह बजे मैं तो कर रहा था अपनी एडिटिंग, और अभी आई है चाय बनके गर्मा गर्म। ये आ गई है चाय, किसने फरमाइश की विद बिस्किट। और ये अभी सोई नहीं है। गुड डे गुड नाइट बोलना चाहिए। बैठ जाओ मम्मी, इधर आ जाओ, कोई प्रमोशन नहीं है। अरे इधर आ जाओ गाइज, लाइट चली गई है, रात के टाइम हो रहे हैं, देख लो 2 बजने वाले हो रहे हैं, और अभी तक बैठ के गपशप चल रही है, लाइट चली गई तो मेरी एडिटिंग अधूरी रह गई। तो यहाँ पे मच्छर बहुत हो रहे हैं, उसके लिए रात को अभी ये ब्लिंकेट से ये मंगाया मोटी। तो फाइनली गाइज लाइट आ चुकी है, और अब मैं अपने ब्लॉग को फाइनल करूँगा, और रात के 2:19 हो रहे हैं, और ये लेडीज जा रही हैं सोने के लिए। सबके चेंज हो चुके हैं, 1 लेडी 2 लेडी और ये एक लेडी। किट्टू की नजर इन पर ही है पैकेट्स पे। तो ठीक है गाइज, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। होली के साथ, होली के साथ, तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट।